अच्छा जी, मोमानी प्लीज प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दे, शॉपिंग करनी थी। वो इस पुरमुसरत मौके पर मैं सबसे हसीन दिखना चाहती हूँ। ठीक कहा था ना मैंने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और बीबी पैसों के पेड़ पे नहीं लगे हुए कि उठा उठा के काट काट के तुझे दे दूँ। हैं, कोई पैसे ऐसे नहीं है, चल जा। तो आप क्या चाहती हैं कि जो हमारे पड़ोस वाले हैं वो हमें गरीब और फुकरा समझें, कि इनके घर में जो लड़की रहती है उसके पास कोई कपड़े ही नहीं होते ढंग के पहनने के लिए? सही समझो ना। तो फिर एक काम कर, वो पुराने संदूक में से ना मेरा वलीमे का कराड़ा निकाल ले, पहन ले, वो आ जाएगा तुझे फट। मैं भी ऐसी सूखी टिली थी उस वक्त है। वो 19 साल पुराना जोड़ा पहनू मैं? अच्छा, ताकि वो पहन के जाऊं तो मेहमान या तो नाक बंद करके भाग जाए वहां से, या बेचारे बेहोश हो जाए बदबू से। ना शुक्री कुड़ी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ओ जी, बड़े अमीर कारे च उन्हां दा रिश्ता हो रहा है, ते शजीन बीबी ते उन्हां दे जेड़े कजन ने ना, आपस च बड़ी मोहब्बत करदे ने दूजे नाल, माशाल्लाह। मोहब्बत? ओ अमरीका जाणगे ब्याह, उन्हां दा अमरीका च होएगा। तो वो शजीन की जो मंगनी है वो उस घर में रहने वाले सोड़े मुंडे से नहीं हो रही है? अरे हद हो गई है, क्या सभी इस घर में इसी गलतफहमी में मुब्तला है? ऐसा कुछ नहीं है मुमानी, जो शहजीन है ना वो अरसम के दोस्त की बहन है बस, और कुछ भी नहीं। वो बचपन से उसे अपनी बहन ही समझता आया है। ये तो बड़ी चंगी गल हो गई है। पड़ोस में फंक्शन है भाई, जरा तैयारियां शारी करते हैं। ओ जा जा जाके ना, जरा उजाला को बुला के ला। ऐवी पांडरी बनी घूमती रहती है, ना मुंह सही करती ना मथा सही करती है। जाके उसको बोलो जरा जाके फेशियल शेशियल कराए ना, जरा ब्लीच व्लीच लगाए है, चल तैयारियां करते हैं। भाभी अभी भी वक्त है, मुझे लगता है हमें लड़की को जाके समझाना चाहिए। खबरदार खबरदार, जो तूने कोई ऐसी हरकत की तेरे भाई को बता दूंगी। बढ़िया ही कहीं से। ओ चल ना, चल जाके पूछते हैं जरा, पड़ोस में है, उनका भी कोई हक है ना, कोई काम शाम हो तो हमें बताए। हैं, चल आ जा। आ जा। क्या जरूरत है?